बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माई चैनल रिगरूस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मल वर्क, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एज येट, देन डू सब्सक्राइब इट एट फर्स्ट। एज यू पीपल ऑल नो दैट द फंक्शनल एनालिसिस लेक्चर सीरीज इज इन प्रोग्रेस एंड टूडे इज द टर्न ऑफ लेक्चर नंबर 11। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज की जो डिस्कशन होने वाली है, समहाउ प्रीवियस लेक्चर से इसका लिंक भी है, और जो शुरू में हमने लेक्चर 3 या 4 किया था, या गालिबन लेक्चर 3 था, उसके साथ भी इसका लिंक है। अभी तक हम जानते हैं कि जब किसी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है, तो स्टूडेंट्स उस नॉर्म स्पेस से आप मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे चल करके पढ़ा कि अगर किसी वेक्टर स्पेस पर, इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब किसी वेक्टर स्पेस पर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर मौजूद हो, तो क्या गारंटी है कि वो स्ट्रक्चर मैट्रिक्स वाला किसी नॉर्म के थ्रू आ रहा है, या दूसरे लफ्जों में क्या आप उस मैट्रिक्स के थ्रू कोई नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं उस सेट के ऊपर। तो उसका जवाब था कि ऑलवेज नहीं कर सकते, बल्कि आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन कंडीशंस ऑन दैट मैट्रिक्स यू विल इवेंचुअली बी एबल टू डिफाइन अ नॉर्म ऑन दैट सेट बाय द वर्च्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ऑन दैट सेट। ओके, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि जब हमने देखा कि किसी वेक्टर स्पेस पे पाए जाने वाली मैट्रिक्स को हमेशा उसके थ्रू नॉर्म डिफाइन नहीं हो सकती, या दूसरे लफ्जों में हमेशा उसके थ्रू नॉर्म डिफाइन करने के लिए उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, तो हमारा यह सवाल है कि अगर मजीद जनरल बात की जाए और उन रिस्ट्रिक्शन से हट के बात की जाए, कोई मैट्रिक्स स्पेस ले ली जाए, तो क्या हमेशा उस मैट्रिक्स के थ्रू कोई नॉर्म डिफाइन हो सकती है, या दूसरे लफ्जों में क्या हमेशा उस मैट्रिक्स के पीछे कोई नॉर्म मौजूद है जो उसको इंड्यूस कर रही है। द आंसर इज सिंपली नो। आज हम वो काउंटर एग्जाम्पल देंगे जिसमें हम एक वेक्टर स्पेस के ऊपर एक मैट्रिक्स लेंगे इंतहाई पर्टिकुलर किस्म की और वेल नोन किस्म की, और साबित करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्म इन दिस यूनिवर्स ऑन दैट सेट विच कैन इंड्यूस दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑन दैट सेट। ओके, तो इनफॉर्मल टाइटल क्या है लेक्चर का, कि नॉट एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए नॉर्म स्पेस। हर मैट्रिक स्पेस एक नॉर्म स्पेस नहीं है। हर मैट्रिक स्पेस एक नॉर्म स्पेस कब बन जाती थी, जब प्रीवियस लेक्चर वाली दो कंडीशंस लेकर चलते थे। अब फॉर्मल प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इस तरह से भी आ सकता है, मैं इस तरह पढ़ता हूं, फिर मैं इसकी अल्टरनेट वर्जन भी बता देता हूं, कि अगर एक्स कोई वेक्टर स्पेस है सच दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स, और किस फील्ड पे लिया जा रहा है, ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स की फील्ड पे आर ओवर आर वेक्टर स्पेस मानी जा रही है। डिफाइन अ मैट्रिक्स डी ऑन एक्स बाय डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, के कोई से भी दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो कब है, जब वो आपस में बराबर है, और डिस्टेंस वन कब है, जब वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। किसी के जहन में आ सकता है कि मैट्रिक प्रूव नहीं किया, बल्कि इसको डायरेक्ट कह दिया डिफाइन अ मैट्रिक, ऐसे खुद से कैसे कह सकते हैं। ये हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस मैट्रिक, ये वेल नोन मैट्रिक है, प्रूव्ड है, इट इज डिस्क्रीट मैट्रिक। किसी भी सेट को दी जा सकती है, क्या डिस्क्रीट मैट्रिक अलॉट की जा सकती है किसी भी सेट को, ये उन चार प्रॉपर्टीज को इंतहाई ट्रिवियल वे में आप देख सकते हैं सेटिस्फाई करती है, तो इसको मैट्रिक प्रूव करने की ऐसे हमें जरूरत नहीं है। वैसे भी यहां टारगेट क्या है कि ये बताएं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या पूछा उसने, शो दैट एक्स डी ऑफकोर्स मैट्रिक स्पेस तो है, बट इट इज नॉट अ नॉर्म स्पेस। इस फिक्रे का मतलब क्या है, इस फिक्रे का मतलब यह नहीं है कि एक्स के ऊपर कोई नॉर्म नहीं दी जा सकती, ऑफकोर्स दी जा सकती है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि इस मैट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में यह नॉर्म स्पेस नहीं है, या दूसरे लफ्जों में कि इस मैट्रिक जिस सेट पे आपने बना ली, इसके ऊपर कोई ऐसी नॉर्म मौजूद नहीं है जो इस मैट्रिक को क्या कर दे, स्टूडेंट्स इंड्यूस कर दे। यानी जब आपको लेट सपोज कोई नॉर्म मिल जाए और आप इस नॉर्म से उसी अंदाज में मैट्रिक बनाने की कोशिश करें जैसे आप बनाते हैं, जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है कैसे कि
डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो आप इस मैट्रिक तक नहीं पहुंच सकते. यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल नॉर्म ऑन दिस नॉर्म फंक्शन ऑन द सेट एक्स फ्रॉम विच यू कैन इंड्यूस दिस मैट्रिक. ओके, अब इसको प्रूफ करेंगे, या इसमें आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है कि प्रूफ दैट एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉर्म स्पेस, या यहां तक लिख के पूछ सकता है कि शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्म विच कैन इंड्यूस दिस मैट्रिक, या ये पूछ सकता है आपसे और भी इसके अंदर जो है वो वर्जन आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल आप अगर आपके दिमाग में ये चीजें हैं तो आप टैली कर सकते हैं. एक्स की जगह कोई और भी सेट लिख सकता है, बिकॉज ये डिस्क्रीट मैट्रिक किसी भी सेट पर दी जा सकती है. ठीक है, एनीवेज इसको प्रूफ करेंगे हम. प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट को रिमाइंड करवाऊं जो लेक्चर 3 में किया था गालिबन, कि अगर n कोई नॉर्म स्पेस है, अब नॉर्म स्पेस है तो डेफिनेटली मैट्रिक स्पेस है. ठीक है, मैट्रिक स्पेस के लिए तो शकूक शुबात मौजूद है कि जब किसी मतलब वेक्टर स्पेस के ऊपर मैट्रिक का स्ट्रक्चर मौजूद है तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक किसी नॉर्म से आ रही हो. ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट कि ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्म स्पेस जब मौजूद है, नॉर्म का फंक्शन मौजूद है, तो ऑफ कोर्स वो क्या है, वहां से एक मैट्रिक निकल रही है, और वो मैट्रिक स्टूडेंट्स कौन सी होती है, यू नो वेरी वेल, वो होती है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की नॉर्म. नॉर्म के थ्रू मैट्रिक डिफाइन हो जाती है, लेकिन क्या मैट्रिक के थ्रू ऑलवेज नॉर्म डिफाइन हो पाती है? द आंसर इज नो, और वो काउंटर एग्जाम्पल में देखा जाएगा. एनीवेज किसी भी नॉर्म के थ्रू जब मैट्रिक इंड्यूस हो रही होती है तो वो ऑलवेज वो वाली मैट्रिक इन दो प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. आप देख सकते हैं वेरी वेल नोन रिजल्ट्स, पिछले एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी यूज किए थे, पिछले लेक्चर में भी यूज किए थे, कि अगर पहले दोनों आर्गुमेंट्स के अंदर सेम एलिमेंट ऐड किया जाए तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, और दोनों आर्गुमेंट्स के साथ सेम स्केलर मल्टीपल लगा स्केलर का एलिमेंट लगाया जाए, फील्ड का एलिमेंट लगाया जाए, तो वो इस अंदाज में लिखा जाता है कि स्केलर का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. मैं कोशिश करता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर कि जो मैथमेटिक्स लिखी हुई है उनको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में एक्सप्लेन करके बताऊं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस, इंस्टेड ऑफ इसको ऐसे पढ़ने के डी ऑफ एक्स को ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डी ऑफ एक्स वाई. आई थिंक इट वुड बी मोर बेटर टू से कि एक्स और वाई के साथ अगर आप सेम ए यूज करें तो इट इज गोइंग टू से इन रिप्लाई कि आप ए का मॉडुलस लें, उसको मल्टीप्लाई करें एक्स और वाई के डिस्टेंस के साथ. सो दिस इज अ मोर बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. तो अब मैंने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है. तो मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं. एक्सप्लेनेशन शुरू में दी मैंने कि कैसे इस चीज को लेके चलेंगे. इसका प्रूफ है क्या क्या चीजें लेनी है. हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स की वेक्टर स्पेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स फील्ड मानते हुए, और उस वेक्टर स्पेस पे मेरे पास डिस्क्रीट मैट्रिक मौजूद है. मैं साबित करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी नॉर्म ऐसी नहीं है जो इस मैट्रिक को क्या कर दे, इंड्यूस कर दे. ठीक है, तो साबित करेंगे कि एक्स डी इज नॉट अ नॉर्म स्पेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बार दफा कंफ्यूज होते हैं कि जी आप कहते हैं कि हर मैट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजी है, लेकिन टोपोलॉजी का मैट्रिक होना जरूरी नहीं. अब बच्चों के जहन में आता है कि एक तरफ टीचर तो यह कहता है कि हर टोपोलॉजी के पीछे मैट्रिक का होना जरूरी नहीं, इसका मतलब कि बच्चा कहता है कि एक तरफ हमें यह भी बताया जाता है कि हर सेट पे मैट्रिक दी जा सकती है. ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेथड्स के जहां से आप मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को निकाल सकते हैं. तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर कोई मैट्रिक नहीं दी जा सकती, उसका मतलब यह है कि उस पर ऐसी कोई मैट्रिक नहीं दी जा सकती जो उस टोपोलॉजी को क्या कर दे, इंड्यूस कर. इसी तरह एन मुमकिन है आर के ऊपर, आपको पता है कि आर पे नॉर्म ली जा सकती है, मगर वो नॉर्म ऐसी नहीं है जो इस मैट्रिक को इंड्यूस करे या उस नॉर्म के थ्रू आप ये मैट्रिक डिफाइन कर पाए. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. जब आप ये कहते हो कि इट इज नॉट अ नॉर्म स्पेस, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर कोई नॉर्म नहीं दी जा सकती. इट मीन्स कैन नॉट गिव इट सच काइंड ऑफ अ नॉर्म विच इंड्यूस दिस मैट्रिक. सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सी. ओके, लेट्स सी क्या है ये, प्रूफ करते हैं. सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन लगा लें अगर, सपोज
ऑन द कॉन्ट्ररी दैट एक्स डी इज अ नॉन स्पेस दिस such that D is the metric, such that D is the metric which is induced by the norm. ठीक है, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स इस बात को. हमने सपोज कर लिया कि एक्स डी ऑन द कॉन्ट्ररी एक नॉर्म स्पेस है और जो मेट्रिक उस पे गिवन है यानी कि डिस्क्रीट मेट्रिक वो किससे इंड्यूस हो रही है, वो इसी नॉर्म से इंड्यूस हो रही है. कॉन्ट्ररी सपोज किया है तो लॉजिकली चलते हुए कोई ना कोई मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट ऐसा आएगा जो कि इलॉजिकल होगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स कि बाय फॉलोइंग द लॉजिकल स्टेप्स समहाउ यू रीच एट द इलॉजिकल थिंग एंड देन यू से इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो द गिवन इज ट्रू एंड योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग. Anyways, for in order to understand these things more better, you need to go towards the books of propositional calculus or the logical theory, whatever you can call it. Anyways, this is not my topic. Let's come back towards the actual thing. Suppose on the contrary, that XD is a norm space such that D is the metric which is induced by this. ये हमने suppose कर. अब students, जब ये एक norm space है, ठीक है? तो जब नॉर्म स्पेस बन गई और हमारे पास एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि नॉर्म स्पेस से निकलने वाली जो मैट्रिक है वो इन दो कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. तो यहां भी तो यही चीज हो रही है ना कि हमारी जो डिस्क्रीट मैट्रिक डी है वो निकल रही है, इंड्यूस हो रही है किससे, इस नॉर्म से. और इसी नॉर्म के तहत एक्स को क्या माना है, नॉर्म स्पेस माना है. तो ये वाली जो मैट्रिक है डी जो कि इंड्यूस हो रही है इस फंक्शन किससे, इस नॉर्म फंक्शन से, वो डेफिनेटली इन दो प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, सो क्योंकि ये थ्योरम मौजूद है, सो बाय अ वेल नोन रिजल्ट, सो बाय अ वेल नोन रिजल्ट ये जो मैट्रिक डी है ये क्या सेटिस्फाई करेगी, डी ऑफ ए एक्स कॉमा ए वाई मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स. ठीक है, एक्स बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं. ठीक है, बट वी सी दैट अब मैं कुछ एलिमेंट्स, अब अगर ये बात ट्रू है तो हर किस्म के ए और हर किस्म के एक्स और वाई के लिए ट्रू होनी चाहिए. लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए स्केलर, स्केलर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम आर. बट वी सी दैट, बट डू वी सी, अगर आप ए एक्स और वाई की स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज अगर ले लें, लेट सपोज आप ए को 5 रख लें, x को 3 रख लें, y को 8 रख लें, कोई और भी दे सकते हैं, देन तो क्या ये बराबर आएगा. हम देखते हैं d ऑफ ए एक्स ए वाई. स्टूडेंट्स देखिए ए एक्स क्या बनेगा, 5 3 इज 15 एंड ए वाई इज 40. डिस्क्रीट मैट्रिक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स का आंसर 1 देती है और इसका आंसर 1 आ गया. अब इसको इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या जवाब आता है जरा देखते हैं. ये आपके पास आएगा मॉड ऑफ 5 डी ऑफ एक्स वाई 3.8. 5 मॉडुलस 5 आ गया, 3 और 8 दो डिस्टेंस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 है, इट इज इक्वल टू 5. तो पता चला कि इस टर्म का आंसर और इस टर्म का आंसर वेरी कर रहा है, मगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसको होल्ड करना चाहिए था, मगर somehow हमने ऐसे x, y और a चूज कर लिए कि जिसके अगेंस्ट ये होल्ड नहीं कर रहा, होल्ड कर भी रहा है होल्ड नहीं भी कर रहा, क्या हो रहा है, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. मैथमेटिकल
आर्ग्यूमेंट एक ऐसा आ गया जो कि इलॉजिकल था, लॉजिकल वे में इलॉजिकल चीज अप्रोच हुई, तो इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ये तो होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हमने समहाउ क्या किया, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई कि कह दिया कि ये मीट्रिक किसी नॉर्म से निकल रही है, अब वो नॉर्म स्पेस बन गई। अब वो अगर मेट्रिक नॉर्म से निकल रही है तो वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी तो हमेशा हर किस्म की एक्स वाई के लिए करेगी, लेकिन हमने कहा कि ऐसे एक्स वाई मौजूद हैं जिसके अगेंस्ट ये होल्ड नहीं करती, तो होल्ड करती भी है नहीं भी करती, इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्म इन द वर्ल्ड विच कैन इंड्यूस द डिस्क्रीट मेट्रिक ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां से क्या लिखेंगे, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट any norm on R which can induce the discrete metric on R। okay students, तो आपने देखा कि ये वो fact है जो कि ensure करता है कि हर मेट्रिक स्पेस का नाम स्पेस होना जरूरी नहीं है। इससे पिछले लेक्चर में देखा कि किसी मेट्रिक पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि वो नॉर्म बन जाएगी, और यहां हमने देखा कि वही रिस्ट्रिक्शन जब क्या होती है, वायलेट होती है, तो आपके पास वो मेट्रिक स्पेस किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होती। जब हम ये कहते हैं कि मेट्रिक नॉर्म से इंड्यूस हो रही है, इसका मतलब मेट्रिक को इन टर्म्स ऑफ नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, और जब किसी सेटअप के अंदर आप मैट्रिक के थ्रू नॉर्म को डिफाइन कर पाए तो इट मींस वो नॉर्म किसी मैट्रिक से इंड्यूस हो रही है और वो मैट्रिक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग माई चैनल द गुरुस मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर उस्मान अहमद मंसूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।